So let's get started with the concept of acids. What is an acid? Acid is derived from a Latin word called acidus, which means sour. मतलब all the acids are sour in taste. तो भैया ये क्या एक अच्छा definition है acid का कि जो भी compound sour in taste होता है? बिल्कुल अच्छा नहीं है. पहली बात तो हर एक compound जो sour in taste होता है वो acid नहीं होता है, and हर एक compound को हम taste थोड़ी करके बता सकते हैं. तो इनिशियली ऐसा क्यों सोचा था? बिकॉज पीपल वर टॉकिंग अबाउट दोस एसिड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड, जैसे साइट्रिक एसिड हमें ऑरेंजेस लेमन से मिलते हैं, एसिटिक एसिड विनेगर, सो उन एसिड्स की बात किया जा रहा था. बट वी नीड अ बेटर एंड केमिकल डेफिनेशन फॉर एसिड्स. सो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉट इज एन एसिड, सो एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दोस कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर, आइदर एक या एक से ज्यादा वॉट ionizable hydrogen atoms. It is very important. Ionizable hydrogen atoms होना चाहिए acid में. कुछ लोग क्या बोलते हैं कि acid में hydrogen atoms होना चाहिए. Misconception number one. People believe that अगर किसी भी compound में hydrogen atom है तो वो एक acid है. But ऐसा बिल्कुल नहीं है. सिर्फ आप hydrogen atom देख के उस compound को acid नहीं बोल सकते. Hydrogen atom तो होना चाहिए, but that hydrogen atom should have the capability to ionize. Now, when will a hydrogen atom have the capacity to ionize? If it is bonded with another highly electronegative atom. I'll come to this point later. So, acids are those substances that must contain hydrogen atom or ionizable hydrogen atom. Ionizable hydrogen atom. एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है. One or more. एक से ज्यादा भी हो सकता है. Minimum एक होना चाहिए. So, acids must contain one or more ionizable hydrogen atoms. बहुत अच्छी बात है. अच्छा, अगर किसी भी कंपाउंड के पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है तो अगर इस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करने से वो कौन सा आयन फॉर्म करेगा? व्हेनेवर एसिड्स आर डिसॉल्वड इन वाटर, वो कौन सा आयन फॉर्म करेगा? भैया एक तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, एक तो नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव आयन होना चाहिए हाइड्रोनियम आयन. दैट मीन्स एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेस दैट कंटेन वन और मोर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स. And when dissolved in water, they should form hydronium ion as the only positive ion. भैया हमें कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको एक example दे रहा हूं. सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि CH4 methane, क्या CH4 acid है? देखिए CH4 के पास चार hydrogen atom है, but अगर सिर्फ hydrogen atom हो तो क्या हम उसे directly acid बोल सकते? नहीं, ionizable hydrogen atom होना चाहिए. भैया ये जो चार hydrogen atom है ये ionize कर सकता है या नहीं कर सकता है? कैसे पता चलेगा? आपको CH4 का structure पता होगा, carbon atom बीच में and चार ऐसे हाइड्रोजन एटम्स होंगे. अब आप बताइए हाइड्रोजन एटम किससे बॉन्डेड है? हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन एटम कैन आयोनाइज इफ एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो अगर, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरिन के साथ. अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, इनके साथ बॉन्डेड हो तभी हाइड्रोजन आयोनाइज कर सकता है वरना नहीं कर सकता है. यहां पे अगर मैं आपको वैल्यू से भी बताऊं, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिन स्केल में है 2.5, इसका है 2.1. डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में 0.4 है. 0.4 डिफरेंस को काफी स्मॉल डिफरेंस बोला जाता है. एंड ये हाइड्रोजन एटम्स तो है बट ये हाइड्रोजन एटम्स आयोनाइज नहीं कर सकते, तो CH4 इज नॉट एन एसिड. CH4 इज नॉट एन एसिड, है ना? एंड जब मैंने आपको बोला कि फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के ग्रुप में जितने भी आ जाते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, वो सब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अगर मैं बात करूं HCl, क्या HCl एक एसिड है? हाइड्रोजन एटम तो है बट इज दिस हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम? लेट्स चेक. हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू क्लोरीन वाया कोवेलेंट बॉन्ड. क्लोरीन इज एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मैंने क्या कहा था? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन के ग्रुप में जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी इंक्लूडेड है इसमें. सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. क्लोरीन विल बिकम डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन विल बिकम डेल्टा पॉजिटिव. ये सब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में समझाया है. अगर आपको नहीं पता पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख लीजिए. मतलब ये हाइड्रोजन एटम इज आयोनाइजेबल, सो HCl इज एन एसिड. ठीक है, तो HCl एक एसिड है. अगर मैं H2SO4 की बात करूं, H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, सो S कोऑर्डिनेट बॉन्डेड टू O, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड टू O, फिर O H O H. देखिए यहां पे जितने भी दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस हो जाएगा. हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, डेल्टा प्लस हो जाएगा. मतलब ये दोनों
हाइड्रोजन एटम्स दे आर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, दे आर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स. H2SO4 इज ऑल्सो एन एसिड. सो एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेस दैट कंटेन वन और मोर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा किस हाइड्रोजन एटम को आयोनाइजेबल बोलेंगे. इफ द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन इट इज आयोनाइजेबल. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम. व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स इफ द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. Highly electronegative element like fluorine and all the elements, oxygen, nitrogen. The fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, nitrogen. अब जो second point है, that means acids को जब हम water में dissolve करेंगे तब क्या होगा. चलिए कुछ acids को water में dissolve करके देखते हैं. ये मैं मिटा रहा हूं, ये आप इतना लिख सकते हो, ये मैं मिटा रहा हूं, space थोड़ा सा कम है. Okay. चलिए देखते हो acids को जब water में dissolve करेंगे. For example, मेरे पास HCl है. HCl. When I will dissolve HCl in water, So, क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है एंड ये जो HCl है इट विल डिसोसिएट, इट विल आयोनाइज टू व्हाट, H प्लस एंड Cl माइनस. हमें आयोनाइज बोलना चाहिए, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. अब आपको जो बताइए कि जो H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको अट्रैक्ट करेगा. क्या लोन पेयर खुद जो नेगेटिव चार्ज है वो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा या H प्लस को अट्रैक्ट करेगा. वो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो H प्लस आयन है वो स्टेबल होने के लिए लोन पेयर के पास जाएगा एंड क्या फॉर्म करेगा, वाटर प्लस एच प्लस. हम अगर वाटर का रिएक्शन एच प्लस के साथ कराए, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कंप्लीटली डोनेट कर देगा वाटर एच प्लस को एंड क्या फॉर्म करेगा, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था H3O+. भैया ये सब चीजें जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो, ये सारे चीजें मैंने डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया है, आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो भी देख सकते हो. तो फिर क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म H3O+. And बाकी कौन सा आयन रह गया, H+ तो यूज हो गया, H+ तो H2O के साथ बॉन्डिंग करके क्या फॉर्म कर दिया, H3O+. And बाकी कौन सा आयन फॉर्म करेगा, Cl-. So when acid is dissolved in water, positive आयन कौन सा फॉर्म हुआ, हाइड्रोनियम आयन. And negative आयन कौन सा हुआ, Cl-. इस केस में HCl था तो Cl-. अगर हम H2SO4, अगर हम H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करें, देखिए H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करें, H2SO4 जब डिसोसिएट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, दो H+ प्लस आयन आएंगे एंड SO4 2- आएंगे, है ना. H2SO4 में दो H+ प्लस आयन है एंड एक SO4 2- है. सो वाटर किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर तो एक वाटर मॉलिक्यूल एक H+ प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, H3O+. अब रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो एंड एज अ नेगेटिव आयन कौन रह जाएगा, एज अ नेगेटिव आयन SO4 2- रह जाएगा. अगर आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे लेंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स दो H+ को अट्रैक्ट करेंगे एंड क्या फॉर्म करेंगे, दो H3O+. देखिए रिएक्शन बैलेंस भी हो गया है बिल्कुल. यहां पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 6, यहां पे 4+2 6. सो एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन. किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, नेगेटिव आयन तो कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एज अ पॉजिटिव आयन व्हाट विल बी फॉर्म्ड, हाइड्रोनियम आयन विल बी फॉर्म्ड एज अ पॉजिटिव आयन. आई होप यू गेट द साइकोलॉजी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड. मैं मिटा रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स के ले सकते हो, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 sulfuric acid, and as we'll move in the chapter, you'll get to know a lot more acids. Now, what is the classification of acid? We can classify acid on the basis of various types. First classification of acid is classification on the basis of source. What do you mean by source? मतलब इस acid को कौन से source से extract किया गया है, उसके basis में we can classify acid into organic and inorganic. Organic acids are those acids which are obtained from, as the name itself is telling you, organic. That means they are obtained from plants. And inorganic acids are obtained from, कुछ लोग बोलते हैं animals. अरे animals से क्या acid obtain करेंगे? Inorganic acids are obtained from minerals. ठीक है? Minerals से obtain किया जाता है. कुछ लोग यहाँ पे plants, तो यहाँ पे automatically मैं students को बोलता हूँ कि inorganic acids are obtained from animals. Animals नहीं, minerals, है ना? ठीक है. So organic acids are obtained from plants and inorganic acids are obtained from minerals. आपको अगर थोड़ा सा organic chemistry पता होगा, every organic compound मतलब carbon
के सारे कंपाउंड्स। सो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से दो एलिमेंट्स एसेंशियल है? कार्बन एंड हाइड्रोजन होना ही चाहिए। कुछ लोग को लगता है सिर्फ कार्बन होना चाहिए, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए। इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एसेंशियल। अगर कंपाउंड में कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, जैसे H2O ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, जैसे CO2, फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है, राइट? एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एज एसेंशियल एलिमेंट्स। सो अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड इन ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट मींस इन ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच टू एलिमेंट्स आर एसेंशियल? इन ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एसेंशियल एलिमेंट्स। इन एवरी ऑर्गेनिक एसिड कार्बन एंड हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, राइट? एंड ऑर्गेनिक एसिड्स दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशंस। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, दैट मींस ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, एंड क्योंकि वीक एसिड्स है, वीक एसिड्स का मतलब वो लोग को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, वो लोग कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते, क्योंकि जितना ज्यादा आयनाइज करके जितना ज्यादा H3O+ आयन्स फॉर्म करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग व्हेन दैट एसिड कंप्लीटली आयोनाइजेस इन एन एक्वस सोल्यूशन। सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशंस। अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ले ले तो देखा जाएगा 100 मॉलिक्यूल्स से कि 5-6 ही आयोनाइज हो रहे, बाकी मॉलिक्यूल्स एज मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है। 100 मॉलिक्यूल्स में से ओनली 5-6 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग आयन्स। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन डिजॉल्विंग विच एसिड इन एक्वस सोल्यूशन द एसिड एग्जिस्ट, द सोल्यूशन कंटेन्स आयन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। कौन सा होगा? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, सो ऑर्गेनिक एसिड्स विल पार्शियली आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, एंड बिकॉज दे विल पार्शियली आयनाइज, सो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल गेट कन्वर्टेड टू आयन्स एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल रिमेन व्हाट? अनआयनाइज्ड, मतलब दे विल रिमेन एज मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स योर सोल्यूशन और योर मिक्सचर विल हैव मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयन्स। वॉट अबाउट इनऑर्गेनिक एसिड्स? इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड इन इनऑर्गेनिक एसिड्स कार्बन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। हाइड्रोजन तो हो ही सकता है, तो बुक में क्या लिखा रहता है कि कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन ऑर्गेनिक एसिड, बट एक्चुअली कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एसेंशियल है। एंड यहां पे मैंने क्या लिखा है, कार्बन कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट एक इनऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बन है एंड उसका नाम है H2CO3, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। सो कार्बोनिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। भैया अगर कार्बन है हाइड्रोजन है तो दोनों, अगर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है तो ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? आपने तो बोला था कि अगर कार्बन हाइड्रोजन दोनों रहेंगे तो ऑर्गेनिक होना चाहिए। देखिए और एक कंडीशन है ऑर्गेनिक होने का, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए एंड उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। यहां पे H2CO3 में, अगर मैं H2CO3 की बात करूं, H2CO3 में 2H+ एंड CO3 2-, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। सो इन H2CO3 और कार्बोनिक एसिड कार्बन इज प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बट व्हाई इज इट नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड? इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बॉन्ड, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट बॉन्डेड वाई अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते तो उनको हम ऑर्गेनिक बोलते। यहां पे H+ आयन्स एंड CO3 2- आयन्स आर बॉन्डेड वाई आयनिक बॉन्ड एंड दैट इज हाउ दे आर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नेम अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब इनऑर्गेनिक एसिड विच कंटेन्स कार्बन। जनरली तो मिनरल एसिड के पास कार्बन नहीं होना चाहिए, बट एक मिनरल एसिड का नाम बताइए जिसके पास कार्बन है, वो यही है, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3। एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज दे आयोनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशंस, दे आयोनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशंस, दस दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हम समराइज करना चाहते हैं, हमने अब तक क्या देखा, हमने बस ये समझा कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट कंटेन वन और मोर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर फॉर्म हाइड्रोनियम आयन्स एज द ओनली पॉजिटिव आयन्स। एसिड्स के पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्वड इन वाटर दे शुड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स?
Ionizable hydrogen atoms means when hydrogen atom is directly bonded to a highly electronegative element, they are said to be ionizable. We are classifying acids on the basis of their source, organic acids and inorganic acids. What are organic acids? Organic acids are obtained from plants, inorganic acids are obtained from minerals. Organic acids contain carbon and hydrogen as an essential element, whereas in inorganic acids, carbon and hydrogen are not essential element except कार्बोनिक एसिड्स में कार्बन हाइड्रोजन दोनों है. एंड अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक, नाम से पता चल रहा है जो प्लांट से ऑब्टेंड है वो क्या होंगे, वो वीक एसिड्स होंगे. अगर वीक एसिड्स होंगे तो वो पार्शियली आयनाइज करेंगे इन एक्वस सोल्यूशन, किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व कर देंगे, पार्शियली आयनाइज करेंगे. एंड क्योंकि पार्शियली आयनाइज करेंगे दैट मीन्स द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड will contain ions as well as molecules. Whereas they will completely ionize in aqueous solution. That means the aqueous solution will contain only ions. क्योंकि जितने भी molecules of acids आप लेंगे वो सारे ionize कर जाएंगे. That means aqueous solution में सिर्फ और सिर्फ ions होंगे. The next classification of acid is on the basis of molecular composition. कि जो acid का molecule है उस molecule में कौन से elements है. And on the basis of that we have hydro acids and oxy acids. नाम से पता चल रहा है hydro acid का molecular composition क्या है, hydrogen bonded to any other element. अगर hydrogen and कुछ और element है except oxygen. So hydro acid मतलब the molecular composition is if hydrogen is bonded to any other element except oxygen. जैसे HI ऑक्सीजन नहीं है, HBr ऑक्सीजन नहीं है, HCl ऑक्सीजन नहीं है. सो दीज आर हाइड्रो एसिड्स. एंड व्हाट इज ऑक्सी एसिड्स? ऑक्सी एसिड्स का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन क्या है? हाइड्रोजन तो होना चाहिए. एक मिसकंसेप्शन क्या है, सबको लगता है ऑक्सी एसिड्स का मतलब हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. विदाउट हाइड्रोजन तो वो एसिड ही नहीं बन सकता. एवरी एसिड मस्ट हैव आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स. सो ऑक्सी एसिड्स का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड सम अदर एलिमेंट्स. जैसे कि H2SO4. H2SO4 में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड एक अदर एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है. HNO3 में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड अदर एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है. सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन यू हैव टू काइंड्स ऑफ एसिड्स. हाइड्रा एसिड मींस ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए. द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रा एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डेड विद एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन. एग्जाम्पल HCl, HI, HBr. एंड ऑक्सी एसिड मीन्स हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एज वेल एज अदर एलिमेंट. ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट. यहां पे ऑक्सीजन एसेंशियल नहीं है, है ना? सो दिस इज हाइड्रो एसिड एंड ऑक्सी एसिड. देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस क्लासिफिकेशन आई वॉन्ट टू टेल यू कि किसी भी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या बताता है. कुछ लोग को लगता है कि भैया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड. ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया. बट लैब में तो सर बोलते हैं कि ये एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको मत छुओ. हमें तो सिर्फ डाइल्यूट एसिड दिया जाता है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड डाइल्यूट एसिड का मतलब वीक. वैसी बात नहीं है. एक्चुअली तुम्हारे सर क्यों बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मत छुओ? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड बेसिकली टेल्स यू अबाउट द परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दैट एसिड. सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड, अगर मैं आपको एसिड का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू बता रहा हूं या फिर इफ आई एम यूजिंग द वर्ड दैट दिस एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस एसिड इज डाइल्यूट, व्हाट एम आई बेसिकली टेलिंग यू? आई एम टेलिंग यू अबाउट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एसिड एंड नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट और टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एसिड एंड इट डजंट गिव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल, जस्ट बियर विद मी. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एसिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन स्ट्रॉन्ग एसिड? ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? मैं अभी दिखा रहा हूं. सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन्स एसिड विच कंटेन्स मोर एसिड मॉलिक्यूल्स एंड लेस वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अगर मैं बोलू दैट अ पर्टिकुलर एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड, सपोज अगर मैं बोलू कि दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब इन दिस एसिड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस कंपेयर टू द नंबर ऑफ H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली इफ आई सेड डाइल्यूट एसिड मींस एसिड विच कंटेन्स मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लेस एसिड मॉलिक्यूल्स.
एंड लेस एसिड मॉलिक्यूल्स। फिर थोड़ा सा कम समझ में आया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन पूछने के लिए मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ऊपर का, ये आप पहले नोट कर लो, इतना पहले भी नोट कर लो, हो गया मिटा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। मैं यहां पे एग्जांपल्स देना भूल गया ऑर्गेनिक एसिड का। सो ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स में क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मिक एसिड HCOOH, एक मिला है एसिटिक एसिड CH3COOH, एक मिला ऑक्सैलिक एसिड COOH होल्ड। सो दीज थ्री आर फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। एंड मैं जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूं, मतलब CH3COOH, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। एंड इनऑर्गेनिक एसिड का क्या एग्जाम्पल है, सॉरी HCl, H2SO4, HNO3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। आपको लग रहा हो कि भैया ये तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, बट आंसर है डाइल्यूट H2SO4। ऐसा क्यों है, आप कॉन्सेंट्रेशन को देख के स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन बस ये बता रहा है कि इसमें इसमें डाइल्यूट H2SO4 का मतलब, मान लेते हैं इसमें डाइल्यूट H2SO4 का मतलब 90 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है क्योंकि डाइल्यूट है, सो ज्यादा वाटर कम एसिड। एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक एसिड का मतलब 90 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, जस्ट एज एन एग्जांपल बता रहा हूं। तो आप बोलेंगे भैया इसमें तो 90 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है, इसमें तो बस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है, तो जीतना अगर दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा, 90 जीतेगा। बट वैसा नहीं है, अगर मैं 90 नर्सरी के बच्चे को मैं बोलूं कि आप मार्क हेनरी के साथ जाके फाइट करो, भिक्षो के साथ जाके फाइट करो, तो वो 90 नंबर कुछ नहीं भाई, भिक्षो तो भिक्षो ही है, बच्चे थोड़ी भिक्षो से जीत पाएंगे। सिमिलरली ये जो डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है एसिड कम है, कॉन्सेंट्रेट का मतलब एसिड ज्यादा है पानी कम है। बट H2SO4 एक कैसा एसिड है, H2SO4 इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, इट्स अ मिनरल एसिड, H2SO4 इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, व्हेयरएज एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो कौन स्ट्रॉन्गर होता है, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है या ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। सो डाइल्यूट H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर देन कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। सो मैंने वही समझाया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ओनली टेल्स यू अबाउट द परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एसिड, इट विल नॉट हेल्प यू टू प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड यू मस्ट नो द नेचर ऑफ द एसिड, बिकॉज इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड। If there's a fight between class 10 students and nursery students, so nursery students can never win, right? Okay. So this was about the concentration of acid. There's a next question that I want to ask. कि जब हम अगर मैं आपको दो situations दूँ, situation number one है कि आपके पास आपको ना dilute करना है एक acid को. So dilute करने के time आपको water add करना चाहिए to acids. और एसिड ऐड करना चाहिए टू वाटर, भैया सेम ही तो बात है, नहीं सेम नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड, व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड हमें कौन सा करना चाहिए। सिचुएशन वन, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एसिड है, एसिड में वाटर डालना चाहिए डाइल्यूट करने के लिए, या फिर कंटेनर में हमें वाटर लेना चाहिए, कंटेनर में हमें वाटर लेना चाहिए एंड एसिड डालना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड, अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वाटर मिक्स करना पड़ेगा, डाइल्यूटिंग एन एसिड मींस एडिशन ऑफ वाटर, बट क्या करना चाहिए, एसिड में पानी डाल दे या पहले कंटेनर में पानी लेके उस एसिड डाले, भैया क्या कोई डिफरेंस होगा। देखिए पहले सिचुएशन में हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, मतलब आई मस्ट एड वाटर, तो हमने कंटेनर में एसिड लिया, कितना हमने सपोज 50 ml एसिड लिया एंड उसमें हम पानी डालना स्टार्ट कर दे, तो जैसे थोड़ा सा पानी जैसे हम थोड़ा सा पोर करेंगे ना, तो वहां पे एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा,
If you add water to acids, then because the number of acid molecules are more than water molecules right now, so what will happen? A highly exothermic reaction. Water will react with acids, है ना? Acid water के साथ react करके H3O plus form करेंगे. That's an highly exothermic reaction. And जो heat produced होगा ना, उस heat produced की वजह से acid का splash हो सकता है. Acid splash करके आपके face में आ सकता है, hands में आ सकता है. बहुत dangerous है. And एक और चीज हो सकता है कि इतना heat produce हो जाए कि ये container ही crack हो जाए, है ना? ये container burst हो जाए. तो बहुत ही dangerous है कि acid लेके acid के ऊपर पानी डालना. तो dilute कैसे करें? आप बहुत सारा पानी ले लो, बहुत सारा पानी ले लो एंड एसिड को स्मॉल अमाउंट्स में ऐड करो, भैया. तो क्या हीट प्रोड्यूस नहीं होगा? हीट तो फिर भी प्रोड्यूस होगा, बट देखिए अभी पानी ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा एसिड हम डाल रहे, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा ना वो वाटर में डिसिपेट हो जाएगा. तो इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा. सो एडिशन ऑफ, सो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ, यहां पर एडिशन ऑफ water to acids is highly exothermic and the heat produced might cause the vessel to crack or splashing of acids which is dangerous. ये तो डेंजरस है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करना चाहिए. इंस्टेड व्हाट वी शुड ऐड वाटर टू एसिड्स, वी शुड ऐड वाटर टू एसिड्स. हमें क्या करना चाहिए, सॉरी, हमें एसिड डालना चाहिए टू वाटर सो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज डिसिपेटेड विद इन द वाटर. Dissipated within the water. So while diluting an acid, you must never add water to acid. बहुत सारा acid, थोड़ा सा water, highly exothermic. बहुत सारा water ले लो, थोड़े थोड़े proportions में acid add करो, जो थोड़ा heat produced होगा वो water में dissipate हो जाएगा and the conditions will be safer. तो पहले हम इतना note कर लीजिए, फिर आप आगे के classification देखते हैं. सो अब तक हमने थ्री काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखा. फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एसिड्स आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, हमने एग्जाम्पल्स देखा. सेकेंड क्लासिफिकेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर कॉम्पोजिशन, हाइड्रो एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स. थर्ड कॉम्पोजिशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डायलूट एसिड. जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड इस पार्ट में मैं आपको सारे प्रीवियस पार्ट्स रिवाइज कर दूंगा. यहां पे मैंने आईसीएसई क्लास 10 के लिए 10 एसिड्स लिखे हैं. इस पार्ट में आपको यह क्लासिफाई करना है कि कौन सा एसिड मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है एंड ट्राइबेसिक है. भैया ये बेसिसिटी जो वर्ड है ना, उसका मतलब क्या है? सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन वी शुड नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. देखिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, इन दिस चैप्टर यू विल एनकाउंटर टू टर्म्स, वन इज बेसिसिटी एंड अनदर इज एसिडिटी. ये बिल्कुल उल्टा है. हम एसिड्स के लिए बेसिसिटी डिफाइन करते हैं एंड बेसिस के लिए एसिडिटी डिफाइन करते हैं. सो वी से दैट व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, जो कि मैं अब तक बोलते आ रहा हूं, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड. कोई भी एक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स है, उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं. अब भैया कैसे पता चलेगा कि कौन से हाइड्रोजन एटम्स आयोनाइजेबल हैं और कौन से नहीं है? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था दैट दोज हाइड्रोजन एटम्स दैट इज अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज आयोनाइजेबल, द अदर एटम्स आर नॉट आयोनाइजेबल. सो इन दिस पार्ट वी विल लुक एट डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कंसेप्चुअली एंड लॉजिकली, कुछ मैं आपको नहीं रटाऊंगा, कि कौन सा हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेबल है एंड कौन सा नहीं है. सो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड एंड विच एटम्स आर आयोनाइजेबल, दोज एटम्स दैट आर बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स फ्लोरीन एंड इट्स फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. जो ये सारे एटम्स के साथ बॉन्डेड है
वो सारे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम से, दूसरे नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड. एज द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग अस, मोनोबेसिक एसिड मींस एसिड विच कंटेन्स वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम. डाइबेसिक एसिड मींस एसिड विच कंटेन्स टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स. एंड ट्राइबेसिक एसिड मींस एसिड विच कंटेन थ्री आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स. आई थिंक इतना तो आप कंफर्टेबल होंगे. नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. सबसे पहले आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक एसिड्स सिर्फ तीन है, एंड आपको इन सारे तीनों ऑर्गेनिक एसिड्स का स्ट्रक्चर रात के 3:30 बजे भी याद होना चाहिए. एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते. ये स्ट्रक्चर्स के साथ आप और ज्यादा कंफर्टेबल होंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर लोगे, क्योंकि ये सारे जो आप COOH देख रहे हो ना, दिस COOH इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं. अब मैं आपको पहले ये COOH का स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ. ये जो COOH है ना, इसमें तो देखिए एक कार्बन एटम होगा. अब कार्बन का वैलेंसी ना 4 होता है, मतलब कार्बन कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है. कार्बन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन एटम के साथ तो डबल बॉन्ड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए डबल बॉन्ड ही चाहिए, आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग से. अब भैया अगर दूसरा भी तो एक ऑक्सीजन एटम है, क्या उसके साथ भी कार्बन डबल बॉन्ड करेगा? अगर दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कर लिया तो हाइड्रोजन, तो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 1, 2, 3, 4 तो ऑलरेडी हो गया, सो हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट बिहाइंड. इसलिए क्या होगा, जो सेकेंड वाले ऑक्सीजन है उसके साथ तो कार्बन सिंगल बॉन्ड करेगा, बट भैया अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड करेगा, सिंगल बॉन्ड से तो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए ऑक्सीजन जो है और एक बॉन्ड करेगा ये रिमेनिंग हाइड्रोजन के साथ, एंड कार्बन का एक बॉन्ड ऐसे फ्री रहेगा. सो देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COOH. कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है COOH. मैं आपको फिर से COOH का स्ट्रक्चर, अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं कि ये जो COOH ग्रुप है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं आपको ऑर्गेनिक में डिटेल में PhD कराऊंगा. अभी मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि COOH का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. अच्छा भैया, COOH ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको चाहिए, तो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड, एंड ये OH मतलब ONH सिंगल बॉन्डेड है. वैसे ONH का बॉन्ड दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COOH. ठीक है, ठीक है, आप पहले इतना से कंफर्टेबल रहिएगा. ओके, अभी आपको पहले कुछ नहीं लिखना है, पहले आप देख लो, कंसेप्ट देख लो. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ COOH. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ मोनोबेसिक एसिड. सबसे पहले हम यहां से देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स में कौन से मोनोबेसिक एसिड है. जो फर्स्ट एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड का, दैट इज HCOOH. HCOH इज नथिंग बट फॉर्मिक एसिड. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड. सो इज फॉर्मिक एसिड अ मोनोबेसिक एसिड और डाइबेसिक एसिड? फॉर्मिक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, मैं आयनाइजेबल नहीं पूछ रहा हूं. आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन फॉर्मिक एसिड? 2. तो 2 एटम्स हाइड्रोजन एटम्स है. अब देख के तो लग रहा है कि फॉर्मिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है, बट ऐसा है कि फॉर्मिक एसिड में ऑल्दो देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स इन टोटल, बट ओनली 1 इज आयनाइजेबल, द सेकंड 1 इज नॉट आयनाइजेबल. भैया आपको कैसे पता? हम ना फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं. तो फॉर्मिक एसिड में ऑलरेडी क्या है, COOH ग्रुप है. सबसे पहले मैं COOH ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं. सो यहां पे करता हूं सी डबल बॉन्डेड टू ओ, सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. अब कार्बन का जो एक बॉन्ड रिमेनिंग है वहां पे मैं क्या अटैच करूंगा, हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड. आई विल शो यू वंस अगेन हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOH. अच्छा, COOH ग्रुप है तो C डबल बॉन्डेड टू O, OH, एंड एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है वो कार्बन के साथ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड. अब देखिए, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर लिया. इन फॉर्मिक एसिड देयर आर टोटल 2 हाइड्रोजन एटम्स. नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर आयोनाइजेबल? ओनली दिस हाइड्रोजन एटम दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम इज आयोनाइजेबल, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं. ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा. अगर आपको डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा, यू शुड चेक आउट माई पीरियोडिक टेबल का लेक्चर्स. यहाँ पे मैं वो नहीं समझाऊंगा. देखिए, पार्शियल मैंने आपको वो भी समझाया था कि पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आने से क्यों आयोनाइजेबल होता है. बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं समझाऊंगा, आपको पता होगा जो लोग ने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखा है कि ये हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेबल है. दिस हाइड्रोजन एटम इज आयोनाइजेबल
एंड दिस वन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम इज नॉट आयनाइजेबल. सो आपको अगर पूछे फॉर्मिक एसिड का बेसिसिटी कितना है, बेसिसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम. सो इन फॉर्मिक एसिड ऑल दो देर आर टू हाइड्रोजन एटम्स बट ओनली वन ऑफ दिम इज आयनाइजेबल. सो इसका बेसिसिटी इज वन. एंड विच वन इज आयनाइजेबल, बेसिसिटी को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं. Which one is ionizable? Only that hydrogen atom that is directly bonded to oxygen atom is ionizable. That hydrogen atom that is bonded to carbon atom is not ionizable. So formic acid is an example of monobasic acid. Let us look at the next acid, acetic acid. भैया acetic acid का formula है CH3COH. Acetic acid में total कितने hydrogen atoms है? चार. So, भैया एसिडिक एसिड में तो चार हाइड्रोजन एटम्स है तो ये तो एक टेट्रा बेसिक एसिड होना चाहिए. बट एसिडिक एसिड में कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स है? ओनली वन. भैया आपको कैसे पता? फिर से स्ट्रक्चर. अगर मैं आपको CH3COOH का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोलू, CH3COOH कोई बात नहीं, भैया COOH का स्ट्रक्चर तो हमें आता ही है. C डबल बॉन्डेड टू O ऑक्सीजन एंड H एक रिमेनिंग है. अब कौन रिमेनिंग है? CH3 रिमेनिंग है. CH3 का क्या मतलब है? CH3 का क्या मतलब है कि यहां पे कार्बन आएगा एंड उस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन आ जाएगा. सो आप CH3 को ऐसे ब्रेक करके भी दिखा सकते हो या फिर तीन हाइड्रोजन को आप कंडेंस फॉर्म में भी दिखा सकते हो. इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब सारे बॉन्ड्स दिखा रहे हो. अगर मैं इसी को ऐसे ड्रॉ करूं कि अच्छा COH, सो सी डबल बॉन्डेड टू ओ OH एंड जो ये रिमेनिंग है इसमें मैं CH3 लगा दूं तो इसी को हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला. इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा कंडेंस कर दिया. इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड भी दिखा रहे, इसमें ये वाला बॉन्ड नहीं दिखा रहे. इसमें कार्बन एंड तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखा रहे बट इसमें ये वाला नहीं दिखा रहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दीज टू आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिटिक एसिड. अब आप खुद ही देख सकते हो, अगर मैं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर फिर से रीड्रॉ करके दिखाऊं आपको, आपको बोला गया कि एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इतनी सी बात. सो सी डबल बॉन्डेड टू ओ OH, बस COOH ड्रॉ कर लिया. अब CH3 लगाना है सामने, इसके पहले हमने हाइड्रोजन लगा दिया था. सो अब CH3 जब लगाना है तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड. इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड. नाउ इन एसिटिक एसिड देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 1, 2, 3, 4. बट आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स how many are ionizable? Only one is ionizable. Now can you tell me which one is ionizable? This one. That hydrogen atom that is directly bonded to oxygen atom is ionizable. This is ionizable. And these three hydrogen atoms are not ionizable because they are bonded to carbon. And carbon and hydrogen के बीच का electronegativity उतना ज़्यादा high नहीं है कि ये hydrogen atom ionize कर सके. यहाँ पे partial negative and partial positive charges आएंगे, यहाँ पे कोई वैसा charge separation नहीं होगा. ionize करने का मतलब chemical bonding में मैंने समझाया था, जब oxygen and hydrogen का शादी हुआ था दोनों ने promise किया था कि ये जो shared pair of electron है ये उनके बीच में रहेगा. शादी के बाद ऑक्सीजन टर्नड आउट टू बी ऑफ अ वेरी डोमिनेटिंग नेचर. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसने अपने तरफ पुल कर दिया. उनके जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए. तो जैसे ही मैरिड लाइफ में उनके बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत टॉक्सिसिटी हो गया, सो हाइड्रोजन ने डिसाइड किया मैं तो आयोनाइज हो जाऊंगा, मैं एज अ आयन एस्केप कर जाऊंगा, मैं ऑक्सीजन को छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि ऐसे लाइफ में मैं नहीं रह सकता. कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जब शादी हुआ था तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एंड अभी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि किसी ने किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं किया. तो ये खुशी खुशी है, ये लोग आयनाइज नहीं करेंगे. तो एसिटिक एसिड का भी बेसिसिटी कितना होगा? बेसिसिटी इज वन. सो ये जो दो ऑर्गेनिक एसिड्स है, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इनका बेसिसिटी कितना है? वन. ठीक है. नाउ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का बेसिसिटी देखिए COOH, एज इफ दो COOH ग्रुप लगा है. COOH होल टू मतलब दो COOH ग्रुप आपस में बॉन्डेड है, तो वो कैसा एसिड होगा? इट विल बी अ डाइबेसिक एसिड. तो हम डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल देखते हैं ऑर्गेनिक में. ये चलिए देखते हैं COOH होल टू. हमें COOH होल टू का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. एक COOH ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सी डबल बॉन्डेड टू ओ ऑक्सीजन एंड कार्बन का एक बॉन्ड रिमेनिंग. एक दूसरा COOH अगर मैं ड्रॉ करूं, सी डबल बॉन्डेड टू ओ, डबल बॉन्ड में नीचे दिखाओ ऊपर दिखाओ बात तो एक ही है, ये एंड एक बॉन्ड रिमेनिंग. अगर ये दोनों आपस में ही बॉन्ड कर ले,
इस कार्बन को अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक दो तीन बॉन्ड फॉर्म किया, एक बॉन्ड और फॉर्म करना चाहिए, ये वाले कार्बन में एक दो तीन बॉन्ड फॉर्म किया और एक बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, अगर ये आपस में ही एक बॉन्ड फॉर्म कर ले तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं हम, यही स्ट्रक्चर है ऑक्सैलिक एसिड। अब आप बताइए कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है, दो हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डिवोर्स वाला सिचुएशन है, ये दोनों आयनाइज करना चाहते हैं, सो इसका बेसिसिटी कितना होगा, टू। सो मैंने आपको बहुत ही टाइम लेके तीन ऑर्गेनिक एसिड्स दिखाया है, उनका स्ट्रक्चर आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको दिखाया है, एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मैंने ये चेक करना आपको दिखाया है कि आपको बेसिसिटी कैसे चेक करना चाहिए। मैं एक बार लास्ट आपको समरी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हैं। अभी शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं किया होगा, आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, मैं एक बार लास्ट आपको समरी देना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड में किसका बेसिसिटी क्या है। सबसे पहली बात फॉर्मिक एसिड, व्हाट इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, लेट्स चेक, C डबल बॉन्डेड टू O, OH, COH ड्रॉ कर लिया, एक जो कार्बन का बॉन्ड है उसमें क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हो गया फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर। दिस हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन, नॉट आयनाइजेबल, दिस हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, आयनाइजेबल, बेसिसिटी इज वन, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला गया CH3COOH का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सबसे पहले हम C डबल बॉन्डेड टू O, OH, COOH ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो एक रिमेनिंग बॉन्ड है उसमें किसको लगा दे, CH3। सो ये तीनों हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये आयनाइजेबल नहीं है, सिर्फ यही आयनाइजेबल है, सो इसका भी बेसिसिटी वन। लास्ट अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात करूँ, ऑक्सैलिक एसिड का मतलब COOH होल टू, मतलब दो COOH ग्रुप को आपस में लगा लो, एक C डबल बॉन्डेड टू OOH, एक दूसरा C डबल बॉन्डेड टू OOH, एंड आपस में अगर वो लगा दो तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो कि ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड है, दीज आर आयोनाइजेबल, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि पहले आप ये तीनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से नोट करो, फिर मैं इनऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल्स आपको बताता हूं जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो अब तक आपको सारे ऑर्गेनिक एसिड्स का पता चल गया होगा, नाउ लेट अस चेक इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स ये लास्ट के तीनों को छोड़ के बाकी का चेक करना बहुत सिंपल है। मैं आपको उनके स्ट्रक्चर से नहीं दिखाऊंगा, आपको रेडिकल्स एंड आयन से दिखाना चाहता हूं। अगर आपसे पूछे HCl, HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड और डाइबेसिक एसिड, बहुत ही सिंपल, आप HCl में ना आयन्स ढूंढना स्टार्ट करो। अगर HCl आयनाइज करेगा जिंदगी में तो कौन से आयन्स फॉर्म होंगे भैया, एक हाइड्रोजन एटम है तो एक H+ आयन फॉर्म हो सकता है एंड एक Cl- आयन फॉर्म हो सकता है, ये तो आपको बचपन से पता होगा कि H+ एंड Cl-। भैया आपको कैसे पता चला कि फॉर श्योर फॉर्म होगा, देखिए HCl किसके साथ बॉन्डेड है, HCl इज बॉन्डेड टू क्लोरीन, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो आयनाइजेबल है। बहुत लोग पूछते कि भैया आपको इनका तो पता चला बट HCl में जो ये हाइड्रोजन एटम है वो आयनाइजेबल है या नहीं, ये कैसे पता चला। देखिए HCl का स्ट्रक्चर भी देखिए, एच बॉन्डेड टू Cl, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना, सो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट इज आयनाइजेबल। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, जब आपको H2SO4 ऐसा चैप्टर बनाया जाएगा ICSE में या फिर HNO3 ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तब आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सो अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सो HCl इज मोनोबेसिक, व्हाट अबाउट HBr, सेम सिचुएशन, HCl, HBr, HF, ये सारे मोनोबेसिक है। HBr आयन्स कौन से H+ एंड Br-, है ना, सो मोनोबेसिक, एक ही H+ आयन, एक ही H+ आयन फॉर्म हुआ, ठीक है। व्हाट अबाउट HNO3, HNO3 में भी HNO3, इट इज H+ एंड NO3-, जब आयोनाइज करेगा तो आपको देखना है कि अगर नेगेटिव आयन, देखो आप जब ये आयोनाइज करेगा तो एज अ नेगेटिव आयन तो Cl- फॉर्म होगा, अगर Cl- एज अ नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है तो H+ को एज अ पॉजिटिव आयन फॉर्म होना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ये सारे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है। सिमिलरली HNO3 जब आयोनाइज करेगा तो NO3- नाइट्रेट आयन फॉर्म होगा, तो आपको H+ एज अ पॉजिटिव आयन फॉर्म करना ही होगा। H2SO4, H2SO4 में दो हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं एंड दोनों हाइड्रोजन एटम्स ऑब्वियसली बिकॉज इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, तो दो हाइड्रोजन एटम्स आयनाइज करेंगे, सो H2SO4 इज एन एग्जांपल ऑफ डाइबेसिक एसिड। जब आप H2SO4 का स्ट्रक्चर देखोगे उस चैप्टर में, जो मैं आपको उस चैप्टर में समझाऊंगा, तो सल्फर है, सल्फर इज कोऑर्डिनेट बॉन्डेड टू वन ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड टू अनदर ऑक्सीजन, सो दो ऑक्सीजन हो गए और फिर एक ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। देखिए H
टू दो हाइड्रोजन एसओ फोर एस चार ऑक्सीजन दिस इज एच टू एसओ फोर सो बोथ दिस हाइड्रोजन एटम्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बोथ आर आयनाइजेबल सो एच टू एसओ फोर का बेसिसिटी कितना है एच टू एसओ फोर का बेसिसिटी टू है ठीक है तो ये सारे समझ में आ गए तो पहले आप इतना नोट कर लो फिर ये जो तीन एसिड्स है ना ये आपके स्कूल के जो टीचर्स है ना उनका फेवरेट है वो आपको ये देखे परेशान करेंगे पूछेंगे इसका बेसिसिटी कितना है इसका बेसिसिटी एंड इसका बेसिसिटी कितना है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें तो इसका इन तीनों को मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहता हूँ पहले आप इतना नोट कर लो सो HCl HBr HNO3 ये सारे मेरे मोनोबेसिक एसिड्स है H2SO4 मेरा डाइबेसिक एसिड है नाउ लेट अस सी कि ये तीनों एसिड्स का नाम क्या है एंड इनका बेसिसिटी कितना है मैं मिटा रहा हूँ आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज बेसिकली द नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड राइट सो वी हैव थ्री एसिड्स नाउ एज अ स्पेशल केस हेडिंग डाल दो एक स्पेशल केस आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है ये H3PO2 अच्छा फॉस्फोरस के एसिड्स है फिर H3PO3 एंड ये है H3PO4 सबसे पहले ये तीनों एसिड्स का नाम क्या है ये जो बीच वाला एसिड है ना H3PO3 इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड अच्छे से सुनिए पहले इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरस ये मेन है ये सबसे तीनों के बीच का है तो सबसे पहले इसका नाम जो ये तीन एसिड्स है ये सबसे बीच में है जो बीच में होता है वो मेन होता है ना तो उसका नाम क्या है फॉस्फोरस एसिड आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है फॉस्फोरस एसिड ये जो एसिड है ना ये फॉस्फोरस एसिड में तो H3PO3 तीन ऑक्सीजन है इसका H3PO4 चार ऑक्सीजन है मतलब दिस एसिड हैज वन ऑक्सीजन मोर देन फॉस्फोरस एसिड एंड आपको वैलेंसी एंड रेडिकल्स में पता होगा कि हम एक IC वर्ड यूज करते हैं मोर के लिए है ना IC वर्ड यूज करते हैं मोर के लिए एंड OUS अस यूज करते हैं लेस के लिए सो दिस इज फॉस्फोरस एसिड दिस इज एन एसिड दैट हैज वन ऑक्सीजन एटम मोर देन फॉस्फोरस एसिड दिस हैज वन ऑक्सीजन एटम मोर देन फॉस्फोरस एसिड डू यू अग्री विद मी यस सो इसका नाम क्या होगा फॉस्फोरिक एसिड सबसे पहले H3PO3 फॉस्फोरस एसिड जिसके पास फॉस्फोरस एसिड से भी एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा है उसका फॉस्फोरिक एसिड एंड इसका क्या होगा ये फॉस्फोरस एसिड है इसके पास एक ऑक्सीजन एटम फॉस्फोरस एसिड से भी कम है एंड कम के लिए वर्ड यूज होते हैं हाइपो सो इसको बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड आई रिपीट वंस अगेन H3PO2 H3PO3 H3PO4 जो बीच का है वो मेन है जो उसका नाम क्या है फॉस्फोरस एसिड जिसके पास फॉस्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड जिसके पास फॉस्फोरस एसिड से भी एक ऑक्सीजन एटम कम है दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड आई होप यू आर गुड टू गो विद द नेम्स नाउ इनके स्ट्रक्चर्स एंड बेसिसिटी विदाउट स्ट्रक्चर्स इनके बेसिसिटी हम वैसे तो नहीं फिर लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ ओके सबसे पहले स्ट्रक्चर अब हमें पता है कि जो सबसे सेंट्रल एटम है वो फॉस्फोरस है एंड फॉस्फोरस का एटोमिक नंबर है 15 सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का 2.8.5 तो फॉस्फोरस को तीन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना होगा उसको इट हैज टू शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है तो जो फॉस्फोरस है ना वो पांच कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा कैसे आप देख लीजिए ये फॉस्फोरस बीच में है अब जो ऑक्सीजन है यहां पे दो ऑक्सीजन है पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को तो हमेशा डबल बॉन्ड चाहिए स्टेबल होने के लिए आइदर दो सिंगल बॉन्ड चाहिए या फिर एक डबल बॉन्ड चाहिए तो फॉस्फोरस हमेशा यहां पे दो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड करेगा ही रिमेनिंग कितने हो गए रिमेनिंग एक ऑक्सीजन है दो ऑक्सीजन था एक के साथ डबल बॉन्ड कर लिया अब एक बाकी है एंड तीन हाइड्रोजन बाकी है अगर तीन हाइड्रोजन बाकी है तो क्या तीन हाइड्रोजन के साथ वो ऐसे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को तो सिंगल बॉन्ड चाहिए अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि तीन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड कर लिया तो ऑक्सीजन कहा गया है ना तो फॉस्फोरस क्या करेगा कि एक तो उसने डबल बॉन्ड कर लिया ऑक्सीजन के साथ एक जो दूसरा ऑक्सीजन है
उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड एंड वो ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड हो गया। बाकी है दो हाइड्रोजन, सो एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ, एक सिंगल बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन के साथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आई रिपीट वंस अगेन, हमेशा फॉस्फोरस लीजिए, एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन स्टेबल, दूसरा ऐसे OH, H एंड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लेट्स लुक एट फॉस्फोरस एसिड। ये मेरा फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर लिया, बाकी है दो ऑक्सीजन एंड तीन हाइड्रोजन, बाकी है दो ऑक्सीजन एटम एंड तीन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, एंड बाकी जो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके साथ अगर वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो फिर बाकियों के साथ वो फॉर्म नहीं कर पाएगा कुछ, तो डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड एक ही होगा। सो अभी उसने जब एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया तो कितने ऑक्सीजन एटम बाकी है? दो, एंड कितने हाइड्रोजन बाकी है? तीन। तो इनका अगर आपस में पेयरिंग कर ले कि अगर दो ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ ऐसा कर ले OH एंड एक दूसरा OH, तो एक बाकी क्या हो गया? P1, 2, 3 PO3 हो गया, एंड हाइड्रोजन दो है, जो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन है। मैं आपको फील कराता हूं कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड इन टोटल फॉर्म करेगा, हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड करेगा, फिर आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का पेयरिंग कर लो, उस हिसाब से सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H3PO4। सो फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तीन ऑक्सीजन बाकी है, तीन हाइड्रोजन बाकी है, आपस में सिंगल बॉन्ड। सो OH को आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर बॉन्ड भी दिखा सकते हो, OH एंड OH। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं फिर से लास्ट एक बार मिटा रहा हूं। मैं आपको क्यों बार बार दिखा रहा हूं कि आपका देख के ही प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप खुद वीडियो को पॉज करके बिना देखे करना। चले, आपको बोला है रैंडमली H3PO3 बोला है, ठीक है, फॉस्फोरस तो है एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बाकी है दो, हाइड्रोजन बाकी है तीन। सो दो ऑक्सीजन अगर दो हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग कर ले तो OH हो जाएगा, तो OH एंड H। आपको ये बोला है H3PO2, सो फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एक बाकी है, हाइड्रोजन तीन बाकी है, अगर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग कर ले तो एक OH बाकी है एंड H एंड H। लास्ट P डबल बॉन्डेड टू O, तीन ऑक्सीजन बाकी है, तीन हाइड्रोजन बाकी है, सो OH एंड OH। हमने नाम के ऊपर PhD कर लिया, हमने स्ट्रक्चर के ऊपर PhD कर लिया, अब बेसिसिटी। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी क्या है? ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स है जो कि डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ बॉन्डेड है, ये आयोनाइजेबल नहीं है। ओनली दैट हाइड्रोजन एटम दैट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इज आयोनाइजेबल। इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर ही दिखाऊं इसका डिटेल में, तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, सो दिस इज आयोनाइजेबल। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट टू हाइड्रोजन एटम्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉस्फोरस एटम एंड दे आर नॉन आयोनाइजेबल एंड दे आर नॉट आयोनाइजेबल बिकॉज ऑफ नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ओनली दैट हाइड्रोजन एटम दैट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम ओनली दैट हाइड्रोजन एटम दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम इज आयोनाइजेबल ड्यू टू हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंसेप्ट सबके लिए सेम है, ओनली दैट हाइड्रोजन एटम इज आयोनाइजेबल दैट इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन दिस केस दीज टू एटम्स आर आयोनाइजेबल, सो हियर यू कैन राइट दैट हियर वॉट इज द बेसिसिटी। सो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी कितना है, फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी है 2, इसका बेसिसिटी कितना है हाइपोफॉस्फोरस का 1। सो यहां पर इसका बेसिसिटी क्यों 2 आया वो पूछते हैं। ICSC में क्या पूछा गया था कि वाई H3PO3 हैज बेसिसिटी 2। सो इन H3PO3 दोज हाइड्रोजन एटम्स दैट आर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम्स आर आयोनाइजेबल बट दैट हाइड्रोजन एटम दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ फॉस्फोरस एटम इज नॉट आयोनाइजेबल। क्यों? रीजन क्या है? जो लोग ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है उनके बीच में हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके बीच में हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। इसका देखो, इसके तीनों हाइड्रोजन एटम्स आयोनाइजेबल है, ठीक है, सो इसका बेसिसिटी हो गया 3। आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊं, ये सिर्फ फॉस्फोरस के एसिड्स के लिए वैलिड है। सो जो मेरा ट्रिक है इसको बोलते हैं SS ट्रिक।
एंड एसेस्ट्रिक क्या करता है, एसेस मतलब मेरा नाम, एसेस्ट्रिक से आप क्या निकाल सकते हो, अब मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू एसेस्ट्रिक बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस के एसिड्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स माइनस वन. अब ये तीनों एसिड्स का अगर आपको एमसीक्यू कभी पूछे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आपके पास टाइम ना हो, सो H3PO3, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, ऑक्सीजन एटम्स कितने इसमें, दो, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स माइनस वन, दैट इज वन. देखिए अगर आपको बोले H3PO3 तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स माइनस वन, थ्री माइनस वन, टू, बेसिसिटी टू. एंड H3PO4 इसका बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 माइनस 1, दैट इज 3. कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखना कि ये जो ट्रिक है ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए ही वैलिड है. ठीक है, आप किसी और जगह इसको यूज मत करना. सो दिस इज ओनली फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो. नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज. मैं आपको जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज समझाऊंगा आपको यही पे याद हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे से सुनना. सबसे पहली बात है टेस्ट, एसिड्स आर सार इन टेस्ट. भैया आपको कैसे पता कि आपने टेस्ट किया है, चलिए भैया एक काम करते हैं, हम ना लैब में जाके एसिड्स को टेस्ट करके एक बार कंफर्म ही कर लेते कि क्या ये पॉइंट सही है कि नहीं. आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये कंफर्म करना, ये उन एसिड्स की बात हो रहा है जो हम फ्रूट्स से या फिर वेजिटेबल्स से कभी कभी मिलता है, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड. तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट बट मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर एंड हेंस दे नेवर शुड बी टेस्टेड. सो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इनको चेक करना है. एसिड्स का फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. सॉलिड में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, दैट इज H3PO4. अगर आपसे बोले गिव एन एग्जांपल ऑफ अ एसिड दैट इज सॉलिड, दैट इज H3PO4, नाम क्या होगा, H3PO3 मेरा फॉस्फोरस एसिड था, फॉस्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड. एंड बाकी सारे एसिड्स जनरली लिक्विड होते हैं. लिक्विड में भी हमने दो क्लासिफिकेशन किया, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल. वोलाटाइल मतलब दैट इवेपोरेट्स इजिली ऑन हीटिंग, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है. एंड नॉन वोलाटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, डजन इवेपोरेट इजिली ऑन हीटिंग. नॉन वोलाटाइल मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, वोलाटाइल मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज लो. सो अगर मैं नॉन वोलाटाइल एसिड की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है H2SO4. आप H2SO4 वाले चैप्टर में भी ये रीड करोगे कि H2SO4 इज अ नॉन वोलाटाइल एसिड, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है. ठीक है, एंड अगर वोलाटाइल की बात करो तो HNO3, HCl, फिर मेरा फॉर्मिक एसिड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हो. हमने फिजिकल स्टेट की बात की, सॉलिड एसिड इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, लिक्विड में वोलाटाइल इज HNO3, HCl एंड सो ऑन, एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड दैट इज H2SO4. थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसिड्स कैन चेंज द कलर ऑफ सम सब्सटेंसेस कॉल इंडिकेटर्स. नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स विच शो कलर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. एसिड मीडियम में वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर चेंज शो करते हैं, एंड बेसिक मीडियम में कुछ और टाइप्स ऑफ कलर चेंजेस शो करते हैं. हमारे सिलेबस में तीन ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ये आप केमिस्ट्री लैब में भी चेक कर सकते हो, दैट इज लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थेलिन. फेनोप्थेलिन का स्पेलिंग है, फेनॉल लिख दो पहले, PHENOL, फेनॉल, फेनॉल पी एंड फिर थैलिन, फेनॉल फिर पी फिर THALEIN, थैलिन. सो हम देखते हैं कि एसिड्स कैन चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, एंड वी नो दैट इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस हुज कलर विल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स, दैट इज लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थेलिन. आपको याद रखना है कि एसिड्स का बिहेवियर क्या होगा इन दिस थ्री काइंड ऑफ इंडिकेटर्स. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स. अब मैं कैसे याद रखता था मेरे स्कूल टाइम में, जब लिटमस की बात आती थी तो लिटमस में मैं एक कोड याद रखता था, दैट इज ABR. ABR, वॉट इज द मीनिंग ऑफ ABR? ABR का मतलब है मेरा एसिड जो ब्लू लिटमस है, एसिड जो ब्लू लिटमस है उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ABR. सो वॉट इज द लर्निंग कोड फॉर लिटमस? द लर्निंग कोड फॉर लिटमस इज ABR. अगर आपको इससे अच्छा ट्रिक पता है आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो ABR का मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड.
सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है. मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है दैट इज ऑरेंज. ओ मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है? ऑरेंज. सो अगर मैं मिथाइल ऑरेंज के ऊपर, मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर मैं एसिड डाल दूं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा पिंक. सो ऑन एडिंग एसिड टू ब्लू लिटमस इट टर्न्स रेड, ऑन एडिंग एसिड टू मिथाइल ऑरेंज इट टर्न्स पिंक. एंड वॉट अबाउट फेनोप्थेलिन? फेनोप्थेलिन इज सच अ इंडिकेटर दैट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ कलर चेंज विथ एसिड. सो फेनोप्थेलिन रिमेन्स कलरलेस, इट रिमेन्स कलरलेस. हम बेसिस में देखेंगे कि बेसिस का बिहेवियर कैसा है, उसके बाद हम इसको समराइज करेंगे एसिड एंड बेसिस का कंपैरिजन करके. नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मींस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मॉल्टेन स्टेट. वी नो दैट एसिड्स कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन दिस एसिड्स आर एडेड इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन? दे विल स्टार्ट आयोनाइजिंग. How do they ionize? I want to explain it here. I did not explain this point in the basicity. तो मैं यहाँ पे अगर थोड़ा आपको समझाऊँ कि ये ionize कैसे करेंगे, तो मैं ये सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ. आप नोट कर सकते हो, रिवाइंड करके नोट कर सकते हो अगर आपने नोट नहीं किया. ओके, सो एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स. अगर मैं कुछ मोनोबेसिक एसिड्स की बात करूँ, सो जैसे HCl है, HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड. व्हेन HCl इज एडेड टू वाटर व्हाट विल हैपन? वाटर यहाँ पे दिस इज एच प्लस एंड सी एल माइनस, दो आयन्स हैं. सो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक एच प्लस आयन को, देखिए वाटर के पास लोन पेयर है मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये एच प्लस आयन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा. एंड हमें पता है कि अगर एच प्लस एंड वाटर रिएक्ट करते हैं आपस में तो एच थ्री ओ प्लस फॉर्म करते हैं. केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको डिटेल में समझाया था. तो क्या होगा कि ये एच प्लस आयन को वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करके एक एच थ्री ओ प्लस आयन फॉर्म करेगा एंड रह जाएगा एक सी एल माइनस. सो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एच प्लस. अगर आपसे कभी बोले कि एच सी एल का आयोनाइजेशन दिखाओ, सो दिस इज हाउ एच सी एल आयोनाइजेस. अगर मैं दिखाऊँ कि एच एन ओ थ्री कैसे आयोनाइज करता होगा, सो एच एन ओ थ्री के ऊपर वाटर डाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल एच प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एच थ्री ओ प्लस फॉर्म करेगा एंड एन ओ थ्री माइनस एज इट इज रह जाएगा. सो दिस इज आयोनाइजेशन. दे से दैट दिस इज आयोनाइजेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड. एंड एसिड्स कब आयनाइज करेंगे? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मॉल्टेन स्टेट. एक्वस या फिर मॉल्टेन स्टेट में वो आयनाइज करना चाहेंगे. देन आई वॉन्ट टू शो यू आयोनाइजेशन ऑफ डाईबेसिक एसिड्स. डाईबेसिक एसिड्स एंड इनका डिफरेंस देखना. अगर मैं डाईबेसिक एसिड की बात करूँ तो एच टू एसओ फोर इज अ डाईबेसिक एसिड. जब आप एच टू एसओ फोर के ऊपर वाटर ऐड करोगे तो देखिए क्या होगा. एच टू एसओ फोर अगर कभी भी आयोनाइज करेगा तो दो एच प्लस आयन्स आएंगे एंड एक एसओ फोर टू माइनस आयन आएगा, है ना. वेन यू एड वाटर ऑन एच टू एसओ फोर, सो पहले अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल ना सिर्फ एक एच प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक एच प्लस को एक्सट्रैक्ट करके एच थ्री ओ प्लस फॉर्म हो जाएगा. तो रिमेनिंग क्या हो गया? एक हाइड्रोजन एज इट इज बॉन्डेड था एंड एसओ फोर था, सो ये फॉर्म हो गया एच SO4 माइनस. भैया माइनस कहाँ से आया? देखिए जब H2SO4 एज इट इज था तब उसके ऊपर चार्ज था जीरो. जैसे ही H2SO4 से हमने एक H+ ले लिया, एक H+ ले लिया का मतलब उसका चार्ज क्या हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब नेट नेगेटिव चार्ज हो गया. नेक्स्ट स्टेप में जो HSO4- है दैट विल अगेन रिएक्ट विद वाटर, वाटर फिर से और एक H+ को निकाल लेगा, क्या हो जाएगा? एच थ्री ओ प्लस एंड ये फॉर्म कर रहा है एसओ फोर टू माइनस. सो जैसा कि हमने देखा कि मोनोबेसिक एसिड वन स्टेप आयोनाइजेशन करते हैं. मोनोबेसिक एसिड्स आयोनाइज इन वन स्टेप, वेरस डाईबेसिक एसिड्स आर आयोनाइजिंग इन टू स्टेप्स. व्हाट अबाउट ट्राईबेसिक एसिड्स? ट्राईबेसिक एसिड्स विल आयोनाइज इन थ्री स्टेप्स. आप पहले इतना नोट डाउन कर सकते हो, फिर मैं ट्राईबेसिक एसिड का दिखा रहा हूँ. ट्राईबेसिक में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो आयोनाइजेशन ऑफ ट्राई बेसिक एसिड्स. ट्राई बेसिक एसिड्स का एज एन एग्जाम्पल हम एच थ्री पी ओ फोर लेने वाले हैं. अगर एच थ्री पी ओ फोर में मैं वाटर ऐड करूँ तो सबसे पहले वाटर एक एच प्लस को ले लेगा, तो क्या होगा? एच थ्री ओ प्लस. अब कितने हाइड्रोजन एटम्स बाकी है? तीन थे, एक को ले लिया, दो हाइड्रोजन एटम्स बाकी है एच टू. पी ओ फोर एज इट इज एंड इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इधर
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में टोटल चार्ज कितना है जीरो, सो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में भी टोटल चार्ज कितना होना है जीरो. अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता, अगर ये भी न्यूट्रल है तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया ना. बोथ साइड चार्जेस भी तो कंजर्व होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज तो आना ही चाहिए. ओके नेक्स्ट, आप स्ट्रक्चर से भी सोच सकते हो कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ. अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो पी डबल बॉन्डेड टू ओ, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच. अभी ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, अगर एक एच प्लस चला गया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सप्रेस हो जाएगा ना. ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को तो ये एच प्लस ने ही नलीफाई करके रखा था. अगर ये एच प्लस चला गया तो नेट मॉलिक्यूल अब क्या होगा, एच टू पी ओ थ्री, एच टू पी ओ फोर. दिस इज व्हाट, दो एच है, एच टू पी वन टू थ्री फोर विद माइनस साइन, यही तो हमने लिखा यहां पर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में H2PO4- आयनाइज करेगा, H2PO4- के ऊपर हमने फिर से H2O डाला तो ये H2O और एक H+ को ले लेगा तो H3O+ फॉर्म हो जाएगा एंड रिमेनिंग क्या हो जाएगा, HPO4 2-. अब HPO4 2- जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर और एक H+ को ले लेगा, क्या फॉर्म करेगा, H3O+ एंड पी ओ फोर थ्री माइनस. तो मैंने जो आपको समझाया कि मोनो बेसिक एसिड्स आयनाइज इन वन स्टेप, डाई बेसिक एसिड्स आयनाइज इन टू स्टेप्स एंड ट्राई बेसिक एसिड्स आयोनाइज इन थ्री स्टेप्स, ये पॉइंट मैंने आपको यहां पे समझाया. आपके बुक में शायद वो बेसिसिटी के साथ दिया होगा, मैंने इसलिए यहां पे समझाया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स because acid contains one or more ionizable hydrogen atoms and how does ionization of acid takes place, monobasic acid, dibasic acid and tribasic acid. Monobasic acid ionize in one step, dibasic acid ionize in two steps and tribasic acid ionize in three steps. I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा. Last part of the chapter is chemical properties, कुछ बहुत easy reactions है, उसके बाद हम acids को wind up कर देंगे. इतना पहले note down कर लीजिए. लेट अस लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. कुछ बहुत ही इजी इजी टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसमें जो फर्स्ट काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स यानी मान लें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ कोई भी एक एसिड बोल लो HCl अगर रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा. देखिए आपको ना ये रिएक्शन का थोड़ा साइकोलॉजी सोचना है. जब मैग्नीशियम एंड HCl को आप मिक्सचर में डालोगे तो मैग्नीशियम एज अ आयन Mg2+ फॉर्म कर सकता है एंड HCl एज एन आयन H+ एंड Cl- फॉर्म कर सकता है. कोई भी रिएक्शन का साइकोलॉजी को समझने के लिए ना आप क्या करो, आयन्स के फॉर्म में फॉर्म कर लो. तो अगर आयन्स के फॉर्म में फॉर्म करोगे तो Mg2+ एंड यहाँ से H+ एंड Cl-. आप मुझे बताना Mg2+ एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, क्या पॉजिटिवली चार्ज H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. Mg2+ तो Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो Mg2+ एंड Cl- के बीच में, Mg2+ एंड Cl- के बीच में अगर क्रिस क्रॉस रूल से कंपाउंड फॉर्म हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, Mg Cl2. Mg2+ एंड Cl- ने MgCl2 फॉर्म कर लिया, बच गया H+. तो भैया H+ सिर्फ तो एक H+ बच गया, अब क्या होना चाहिए. देखो मैग्नीशियम ने जब Mg2+ फॉर्म किया, तब दो इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किया. अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी को तो गेन करना चाहिए, तो ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा, एक और H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा. एंड ये दो हाइड्रोजन एटम अगर अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा. तो मैं ना ये आपको बता सकता हूं कि अगर Mg एंड HCl रिएक्ट करे तो यहां पर दो लिखना चाहिए मुझे. आप बोलेंगे भैया आप बैलेंस कर रहे हो, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं. देखिए Mg2+ है एंड ये Cl- है, एंड मुझे जब हाइड्रोजन फॉर्म करना है मुझे दो H+ चाहिए. दो H+ के लिए मुझे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लेने चाहिए, तब ना दो H+ फॉर्म होगा एंड तब हाइड्रोजन आ सकता है. अब आप बैलेंस चेक करो, बिल्कुल बैलेंस्ड है. तो आप जिसको बैलेंसिंग बोलते हो ना उसको आप लॉजिकली भी प्रिडिक्ट कर सकते हो. मैंने कैसे लॉजिकली प्रिडिक्ट किया, शायद आपके ऊपर से बाउंसर गया होगा. मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूं, ऑल्दो आपको इतना अगर नहीं भी करो तो ठीक है. यहां पे जब H+ एक H+ था, एक H+ तो H2 नहीं फॉर्म कर सकता. H2 फॉर्म करने के लिए दो हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, मेरे प्लस बस एक H+ था. अगर ऐसा ही एक दूसरा H+ मिल गया
तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पहले हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, ये सब कुछ रिएक्शन के अंदर ही हो रहा है, मैं बस आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। एंड ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड करके H2 फॉर्म करेंगे, इसलिए मैंने यहां पे 2 लिख दिया है। सो दिस इज द रिएक्शन, रिएक्शन इज Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। सो एक्टिव मेटल्स के साथ कौन सा गैस रिलीज होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाऊं, अगर मान लो कि जिंक प्लस H2SO4 है, अब थोड़ा लॉजिकली सोचो Zn2 प्लस है एंड यहां पे SO4 2 माइनस है, तो क्या फॉर्म होगा, ZnSO4। Zn2 प्लस आयन होता है एंड यहां पे 2H+ है, 2H+ है एंड SO4 2 माइनस है, तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ZnSO4 फॉर्म कर लिया एंड 2H+ है ऑलरेडी, 2H+ एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम फॉर्म कर लेंगे, आपस में बॉन्ड कर लेंगे, तो H2। देखिए यहाँ पे बैलेंस के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी 2H+ थे, यहाँ पे एक ही H+ था तो मैंने सामने 2 लिख दिया। तो आप तो रिएक्शन को लिखो एंड बैलेंस करो। तो दिस इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सो विद एक्टिव मेटल्स कौन सा गैस रिलीज होता है, बहुत बार पूछा जाता है, H2। नाउ लेट अस सी सम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एज द ओनली कंपाउंड। तो बेसिस तो आपको नहीं पता, अब मैंने ना 2 बेसिस अपने से ले लिया है, अब मैं 2 एसिड्स को रिएक्ट करा देता हूँ, HCl को एक बार रिएक्ट करा देता हूँ एंड एक बार H2SO4 को रिएक्ट करा देता हूँ। आप खुद देखिए, तो यहाँ पे CuO है, आयन्स कौन कौन से होंगे, कॉपर तो Cu2+ एंड ऑक्सीजन इज O2-, एंड यहाँ पे H+ एंड Cl-। अब Cu2+ किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl- को। Cu2+ एंड Cl- के बीच में अगर क्रिस क्रॉस से बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो CuCl2+ H+ एंड O2- के बीच में अगर क्रिस क्रॉस से बॉन्ड फॉर्म कर गया, सो H2O। ये मेरा सॉल्ट है, ये मेरा वाटर है। NaOH+ H2SO4, आयन्स चेक कर लो, NaOH, Na+ OH-, यहाँ पे H+ 2H+। भैया 2 कैसे बोल रहे हो, क्योंकि अगर SO4 2- है तो एक H+ तो SO4 2- के साथ नहीं रह सकता, चार्ज बैलेंस नहीं होगा, चार्ज को भी बैलेंस करना है, 2- चार्ज है, इसका +1 चार्ज है, सो 2+1 चार्ज वाले H+ है ना। सो Na+ जब SO4 2- को अट्रैक्ट करेगा, Na+ एंड SO4 2- के अंदर क्रिस क्रॉस, तो Na2SO4 एंड 2H+ एक OH- को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, साइकोलॉजी समझना, यहाँ पे 2H+ है, 2H+ एक OH- को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे 2 हमें लिखना पड़ेगा कि 2OH- आए, 2OH- एंड 2OH- एंड 2H+ मिलके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म कर सकते, देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। इसका साइकोलॉजी मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक बार देखना, NaOH प्लस H2SO4, अगर थोड़ा सा आप ऐसे करोगे ना तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही लॉजिकल लगने लगेगा। यहाँ पे आयन्स है Na+ एंड OH-, ओके, यहाँ पे आयन्स है 2H+ एंड SO4 2-, बहुत ही अच्छे से देखना, Na+ जब SO4 2- को अट्रैक्ट करेगा तब क्या फॉर्म करेगा, क्रिस क्रॉस करके Na2SO4। अब आप खुद ही समझिए ना कि Na+ एंड SO4 2- का चार्ज भी तो बैलेंस होना चाहिए, एक Na+ SO4 2- के साथ कंपाउंड नहीं फॉर्म कर सकता, हमें 2 Na+ चाहिए, इसीलिए तो यहाँ पे Na2SO4 फॉर्म होता है, आप जो क्रिस क्रॉस करते हो ना, तो इसलिए तो Na2SO4 प्लस, अगर आप इससे नहीं सोचते तो इससे देखो, 2H+ है एंड एक OH- है, एक H+ एक OH- को लेके एक H2O फॉर्म कर सकता है, H+ एंड OH- के बीच में अट्रैक्शन H2O। अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो यहाँ पे 2H- आ जाएंगे, 2H- एंड 2H+ मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, आप देखना 100% बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, तो आपने ये भी देख लिया, तो ये मेरा सॉल्ट है, ये मेरा वाटर है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स का मतलब कौन सा है, CO3 2- एंड बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3-। देखिए CO3 2- के साथ अगर आप एक H+ ऐड कर दो तो एक चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए बाइकार्बोनेट। अब किसका बाइकार्बोनेट कार्बन लेना चाहते हो, कैल्शियम का लेते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट बोलो तो Ca2+ एंड CO3 2- CaCO3। CaCO3 का रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करा दो तो क्या होना चाहिए रिएक्शन, तो क्या होना चाहिए रिएक्शन, देखिए यहाँ पे आयन कौन सा है, Ca2+ एंड CO3 2-, यहाँ पे आयन कौन सा है, H+ एंड Cl-। अब बताइए जब Ca2+ Cl- आयन को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा,
जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, CaCl2 है ना, CaCl2, ये खत्म ये खत्म। जब H प्लस CO3 2- के साथ क्रिस क्रॉस करेगा, H प्लस CO3 2- के साथ क्रिस क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, H2CO3। तो रिएक्शन आइडियली तो ये होना चाहिए था, बट ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, दिस इज कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको बताया था कार्बोनिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड इज ओनली दैट इनऑर्गेनिक एसिड दैट कंटेन्स कार्बन। अब देखा जाता है ना कि ये कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, ठीक है, ये एज अ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, हमेशा रिएक्शन मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म करना चाहता है। अगर कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाए, अगर कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाए, हमें पता है H2CO3 अगर फर्दर ब्रेक डाउन हो जाए तो H2O एंड CO2 फॉर्म कर लेंगे, इसीलिए इस रिएक्शन में आइडियली तो कार्बनिक एसिड होना चाहिए था, बट दिस H2CO3 इज वीक एंड अनस्टेबल, इसीलिए इट विल फर्दर ब्रेक डाउन टू H2O एंड CO2। साइकोलॉजिकली आपको क्या क्लियर होना चाहिए, हमने क्रिस क्रॉस से देखा H2CO3, जैसे ही H2CO3 आ रहा है एज अ प्रोडक्ट उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दीजिए क्योंकि अनस्टेबल एंड वीक है, सो H2O एंड CO2। सो जैसे ही कार्बोनेस के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। अब चलिए कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, तो Ca2+ जब HCO3 के साथ कंपाउंड बनाएगा, Ca2+ एंड HCO3- जब क्रिस क्रॉस होगा तो कंपाउंड क्या होगा, CaHCO3 2, है ना, दिस इज माई कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब मिटा रहा हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 2 प्लस कौन सा एसिड लेते, HCl लेते, चलिए ओके, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन तो सेम ही होगा, यहाँ पे कौन सा आयन है, Ca2+ है एंड HCO3- है, तो जब रिएक्ट करेगा तो Ca2+ HCl को अट्रैक्ट करेगा, तो Cl- को अट्रैक्ट करेगा तो CaCl2+, जब H+ HCl3- को अट्रैक्ट करेगा तो H2CO3 बनने का टेंडेंसी है, बट H2CO3 फर्दर ब्रेक डाउन करके H2O एंड CO2। सो आप कार्बोनेस के साथ रिएक्ट कराओ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ तो बनेगा तो एज अ बाई प्रोडक्ट H2O एंड CO2 एंड मेन प्रोडक्ट इज CaCl2, ठीक है। तो इतना आपको पहले समझ में आना चाहिए, पहले इतना नोट डाउन कर लो, मैंने आपको साइकोलॉजिकली समझाया, अब हम ये सब देखते हैं। रिएक्शन विथ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, अगर मैं सल्फाइड्स की बात करूँ, सल्फाइड मतलब SO3 2- एंड बाइसल्फाइड के मतलब HSO3-। चलिए सोडियम का ले लेते, अगर सोडियम सल्फाइड बोलूँ मैं तो Na+ एंड SO3 2- मतलब Na2SO3 के साथ कोई भी एक एसिड ले लो, अगर मैं H2SO4 को ले लूँ, देखते क्या रिएक्शन होगा। ओके, आयंस कौन से है इसमें, इसमें Na+ है एंड SO3 2- है, एंड इसमें आयंस कौन से है, इसमें 2H+ है एंड SO4 2- है। आप मुझे बताइए ये पॉजिटिवली चार्ज Na+ किसको अट्रैक्ट करेगा, SO4 2- को अट्रैक्ट करेगा एंड उनके क्रिस क्रॉस से क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H+ किसको अट्रैक्ट करेगा, H2SO3। अब H2SO3 फिर से अनस्टेबल है, H2SO4 स्टेबल है, H2SO3 इज अनस्टेबल, H2SO3 इज अनस्टेबल, अगर H2SO3 फर्दर ब्रेक डाउन करे तो H2O एंड SO2 फॉर्म होगा, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, तो रिएक्शन में क्या आएगा, H2O एंड SO2। तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ आता है H2O एंड CO2, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ आता है H2O एंड SO2, ठीक है। बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो आप, NaHSO3 प्लस HCl अगर कराओ तो NaCl प्लस H2O प्लस SO2, में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन, आपको खुद बैलेंस करना है। तो ICSE में वो मेजरली क्या पूछते हैं कि अगर मैं एसिड्स को कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराओ तो कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2, एंड एसिड्स को सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट कराओ कौन सा गैस रिलीज होता है, SO2। लास्ट इज रिएक्शन विथ सल्फाइड्स, तो हम कुछ सल्फाइड्स ले सकते हैं, जैसे कि हम जिंक सल्फाइड ले सकते हैं, सल्फाइड का मतलब H2-, सो ZnS प्लस अगर मैं HCl को रिएक्ट कराऊँ, या फिर हम फेरस सल्फाइड ले सकते हैं, FeS प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराऊँ, दो रिएक्शन लॉजिकली देखो। आयंस कौन से होंगे, इसमें इसमें होगा Zn2+ एंड H2-, इसमें होगा H+ एंड Cl-। आप खुद देखिए Zn2+ जब Cl- को अट्रैक्ट करेगा क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 बाई क्रिस क्रॉस, एंड H+ H2- को अट्रैक्ट करेगा तो H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका एक रॉटेन एग, बहुत ही गंदा स्मेल, कभी आपको स्मेल नहीं करना चाहिए, रॉटेन एग स्मेल होना चाहिए। फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4 रिएक्शन में क्या होना चाहिए, दिस इज FeSO4
प्लस एच टू एस। तो मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ रिएक्शंस नहीं समझाया, मैंने थोड़ा बहुत रिएक्शंस के पीछे का साइकोलॉजी भी समझाया। और तो ये रिएक्शंस बहुत ही ईजी है, आपको वैसे ही फील आ जाता है कि क्या है, बट थोड़ा सा आप आयंस बना के अगर प्रैक्टिस करोगे, इस सेशन को अगर थोड़ा आप देख देख के चलोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फील आएगा कि रिएक्शंस मैं कैसे लिखता हूँ लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो आई होप आपको एसिड्स जो चैप्टर है वो बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपका है एसिड्स से तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस चैप्टर से और दो वीडियोस में निकालूंगा, एक बेसिस के ऊपर एंड एक सॉल्ट्स के ऊपर, फिर हम फाइनली इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।